Hello dear students, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am here to teach you guys physics. So my dear children, हम लोग ने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन कैसे डिराइव किया जा सकता है एंड देन प्रोजेक्टाइल का रेंज कैसे निकाला जा सकता है, प्रोजेक्टाइल अगर हम लोग फेंक रहे तो कितना टाइम लगता है उसको पहुँचने के लिए, ये सारे क्वान्टिटीज कैसे फाइंड करने हैं उसके लिए एक फॉर्मूला होता है. ये फॉर्मूले को डिराइव करना मैंने आपको सिखाया, डेरिवेशन के साथ मैंने आपको फॉर्मूले बताया है. अब प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड और दो चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक तो वो कितने हाइट तक जंप कर सकती है, मतलब प्रोजेक्टाइल को अगर हम लोग फेंकेंगे तो ऐसे जाते वक्त क्या होता है, कितना हाइट क्लाइंब करके जा सकती है, तो मैक्सिमम हाइट कितना कवर कर सकती है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड उसके बाद एंगल का रिलेशन क्या होता है हाइट और रेंज के साथ, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये दो चीज़ों के बारे में हम लोग आज सीखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं काम करता हूँ, ये रहा आपके लिए प्रोजेक्टाइल, बना देता हूँ. ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्टाइल है. मान लीजिए मैंने फेंका है, उसको थ्रो किया है विद स्पीड u, ये एंगल थीटा बनाया, ये रहा भाई साहब हमारा प्रोजेक्टाइल, ये हमारा हाइट h हो गया. लो भाई h आ गया अभी आपके पास. अब ये h आ गया आपके पास, ये h फाइंड करना है हमारे लिए. कैपिटल R होगा उसका रेंज. ओके, पहले हम लोग निकालते हैं कि मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड किया जा सकता है, ये हम लोग ट्राई करने की कोशिश करते हैं. वी आर ट्राइंग टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, लेट्स ट्राई इट आउट. अब ठीक है भाई, मान लिए कि मैक्सिमम हाइट हमें फाइंड करना है. अब मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या होता है, आप तो जानते हो कि जब हम लोग फेंकते हैं उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है u cos थीटा एंड वर्टिकल वेलोसिटी होती है u sin थीटा, जो ऊपर जाके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होती है, जीरो हो जाती है. फिर उसके पास सिर्फ और सिर्फ बचता है u cos थीटा, जो हमेशा ही सेम रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती. ये तो आप सीधी सी बात है, आप जानते हो. सो इनिशियली द वर्टिकल वेलोसिटी uy वॉज u sin थीटा एंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट द फाइनल वेलोसिटी vy इज इक्वल टू जीरो. ये पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखो. सी यू हैव इनिशियल वेलोसिटी, यू हैव फाइनल वेलोसिटी, यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड यू आर वेरी वेल अवेयर कि कौन से एक्सेलरेशन की वजह से उसका स्पीड कम हो रही है. यूज करो काइनेमेटिक इक्वेशन जो आप हर बार इस्तेमाल करते हो. अब काइनेमेटिक इक्वेशन के हिसाब से मैं बोल सकता हूं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. यहाँ पर आप जानते हो दिस ए एंड एस बोथ आर हैविंग डॉट प्रोडक्ट, दैट मींस अगर सेम डायरेक्शन है तो हम लोग प्लस रखेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस रखेंगे, सिंपल सी बात है. सो वी, वी मतलब क्या है भाई, यहाँ पर हर जगह आपको वाई डालना है क्योंकि ये जो है सिर्फ वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं हम लोग. यहाँ पर वी वाई जो है वो जीरो हो गया, जीरो स्क्वायर. यू वाई का मतलब हो गया यू साइन थीटा, मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई जो होती है वो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, इसलिए मैं उसको माइनस जी लिखूंगा. एंड जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैं उसको प्लस एच लिखूंगा. ये हो गया माइनस टू जी एच, जिसको इस तरफ लेके आऊंगा तो हो जाएगा टू जी एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. फाइनली मुझे एच का वैल्यू मिलेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी. ये होगा हमारा एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट. ओके, अब ये मैक्सिमम हाइट की अगर बात करें, ठीक है, मैक्सिमम हाइट तो अपने को पता चल गया, तो हाइट का एक्सप्रेशन मैंने आपको अभी डिराइव करके बता दिया. अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि भाई एंगल का क्या रिलेशन है. ओके, सो दिस एक्सप्रेशन वाज फॉर मैक्स हाइट. ओके, ये एक चीज हमें फाइंड करना था, उसके अलावा क्या फाइंड करना था, रिलेशन ऑफ थीटा विथ मैक्स हाइट एंड रेंज. मतलब थीटा का क्या रिलेशन है भाई रेंज और मैक्सिमम हाइट के साथ, ये एक बार चेक करके देख लेते हैं, है कि नहीं. तो ओवर हियर अभी सबसे पहली बात, वी नो दैट डब्ल्यू के टी मतलब वी नो दैट. एच का तो एक्सप्रेशन अभी अभी हम लोग ने डिराइव किया है. अब आर का भी एक्सप्रेशन आप मैंने हमने प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में ये आर का एक्सप्रेशन डिराइव किया था. आर का एक्सप्रेशन जो डिराइव किया था दैट वॉज यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी. ओके, इतना एक्सप्रेशन हमारे पास है. एक काम करता हूँ भाई, मैं इन दोनों को ना डिवाइड करके देखता हूँ. अब इन दोनों को अगर डिवाइड करूंगा तो R अपॉन H निकालने की कोशिश करता हूँ. R और H को निकालेंगे तो U square तो कैंसिल हो जाता है. यहां पर ऊपर आएगा साइन टू थीटा अपॉन G रहेगा, ठीक है, पूरा ही लिख के दिखाता हूं. अपॉन नीचे क्या रहेगा, U square साइन square थीटा अपॉन 2G होगा.
भाई जी जी कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये जो टू है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर में बेसिकली बचेगा साइन टू थीटा। साइन टू थीटा मतलब क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ये तो आप जानते ही हो। ये टू को मैंने ऊपर भेज दिया, एक्स्ट्रा टू आएगा ऊपर, नीचे क्या बचेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ये है हमारा आर अपॉन एच। एक साइन काट दो, टू इंटू टू फोर हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन होता है वन बाई टेन, वन बाई टेन को उल्टा कर दीजिए तो बेसिकली आपको मिलेगा tan theta is equal to h by r, यहाँ का जो 4 है ना वो h के साथ जोड़ देंगे तो मिलेगा 4h by r, so tan theta is equal to 4h by r, this is the relation of theta with height and r, that means overall मैं बोल सकता हूँ tan theta is equal to 4h by r is my relation between theta, height and range. I hope you are very much clear. Please pause the video and note it down. आई बिलीव आप लोग ने लिख लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग, अभी थीटा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे एच का क्या स्टेटस होता है, आर का क्या स्टेटस होता है, ये सीखने की कोशिश करेंगे। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंसिडर करते हैं थीटा इज इक्वल टू जीरो। थीटा इज इक्वल टू जीरो अगर होगा, चलो पहला कंडीशन है ये, थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, चलो मान लेते मतलब फाइंड करने की कोशिश करते हैं, थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा तो आर का वैल्यू क्या होगा। आर बेसिकली आर व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, आर का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, इट इज यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन टू जी, इट इज यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन टू जी, थीटा की जगह पे जीरो डाल दीजिए, रेंज का वैल्यू जीरो मिल जाएगा। सो बेसिकली अगर थीटा जीरो है, बेसिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहे, थीटा क्या होती है, हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बनाया, अगर आपने कोई एंगल नहीं बनाया, आपने सीधा फेंका तो रेंज जीरो होगा। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे होता है, आप तो सीधा फेंकेंगे तो बॉल सीधा जाना चाहिए। भाई देखो अगर आप सीधा फेंक रहे हो मतलब ग्राउंड के टच करके फेंक रहे हो तो बॉल सीधा जरूर जाएगा, लेकिन वो उड़ के नहीं जाएगा, वो घसर पट्टी जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, इट विल डिस्प्लेस, बट यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड करने की कोशिश करती है, मैक्सिमम रेंज। वॉट इज मैक्सिमम रेंज, एक बार हवे पर आया बॉल तो नेक्स्ट टाइम वो लैंड करने तक उसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर आपने सीधा ग्राउंड पे ही टच करके फेंक दिया तो स्टार्टिंग में ही वो ग्राउंड पे टच हो गया, इसी वजह से वो हवे पर रुकेगा ही नहीं। सो दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, दैट द रेंज विल बिकम जीरो। सेकंड केस, चलो हाइट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री के टाइम पे हाइट कितना होगा, हाइट का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो इस केस में भी अगर आप याद रखोगे तो यहां पर भी थीटा की जगह पे जीरो डाल दीजिए वैल्यू, आपको वापस क्या मिलेगा, जीरो मीटर मिल जाएगा। सीधी सी बात है यार, अगर आप फेंक रहे हो ग्राउंड पे टच होके जा रही है तो कौन सा मैक्सिमम हाइट, अगर ऊपर ही नहीं जा रही है तो कौन सा मैक्सिमम हाइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो थीटा जब जीरो रहेगा, इन शॉर्ट रेंज भी जीरो रहेगा और हाइट भी जीरो रहेगा। यहां पर एक चीज, ये टू यहां पर होना चाहिए, इट्स ओके माय मिस्टेक। ओके चलो अभी नेक्स्ट एंगल की बात करते हैं, थीटा अगर जीरो के जगह पे, चलो दूसरा कोई तो वैल्यू लेते, 90 लेके देखते क्या होगा, चलो 90 लेके देख लेते। ओके 90 लेके देखेंगे, तो आर के जगह पे आर का वैल्यू बेसिकली क्या है, ये रहा यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, है ना। तो यू स्क्वायर साइन 2 multiplied by 90 is, you guys know very well, it will become 180 upon G. And sin 180 is equal to 0. जिस वजह से यहाँ पर directly range क्या हो जाएगा, 0. मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप है ना थीटा को ऐसे फेंको, मतलब थीटा अगर इससे मेजर हो रही है तो 90 मतलब एकदम ऊपर, दैट मीन्स आप वर्टिकली एकदम ऐसा ऊपर की तरफ फेंकोगे तो बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर जाके वैसे के वैसे नीचे आ जाएगी, लेकिन वो हॉरिजॉन्टली कहीं पर डिफ्लेक्ट नहीं होगी क्योंकि आपने थीटा एकदम ऊपर की तरफ फेंका। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो जिस वजह से हॉरिजॉन्टली कोई भी कहीं पर भी नहीं जा रही है, तो इसी वजह से हॉरिजॉन्टल रेंज उसका जो कवर होता है वो क्या होगा, जीरो होगा। आई होप आई एम क्लियर। हाइट की बात करते हैं, हाइट when theta is 90 theta 90 यहां पर अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो इट इज u स्क्वायर
साइन स्क्वायर ऑफ 90 डिग्री अपॉन 2g, मतलब साइन 90 तो आप जानते हो कि 1 है, 1 का स्क्वायर वापस 1 ही होता है, तो बेसिकली घूम फिर के h का वैल्यू आपको मिलेगा u स्क्वायर अपॉन 2g। अगर आप देखेंगे साइन का वैल्यू मैक्स टू मैक्स कितना होता है, 1 ही होता है, यहाँ पर साइन का वैल्यू 1 ही दिया गया है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो h का वैल्यू है इट इज द मैक्सिमम वैल्यू विच यू कैन गेट, सो दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज h max। So at theta equal to 90, you will be getting the maximum height. So maximum height can be obtained only when theta is 90 degree for maximum height. Okay? इतना पहले note down कर लीजिए, video pause कीजिए, note down कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। I hope आप लोग ने लिख लिया होगा। अब last condition देख लेते हैं कि जब theta 45 होती है तो basically होता क्या है, theta 45 degree. थीटा, व्हेन थीटा इज 45 डिग्री, चलो पहले रेंज से स्टार्ट करता हूं मैं। रेंज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, रेंज का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, इट इज बेसिकली यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 थीटा मतलब इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 45 डिग्री अपॉन जी। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 45 डिग्री मतलब आप जानते हो कि इट इज 90, साइन 90 जो होती है 1 होती है, यहां पर आपको आंसर मिलेगा यू स्क्वायर अपॉन जी होगा आपका आंसर। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह होती है कि भाई यू स्क्वायर अपॉन जी मतलब साइन का टर्म पूरी तरह से गायब हो गया। साइन का टर्म पूरी तरह से गायब तब होता है जब वो उसके मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाती है, जैसे कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू इज 1, यहां पर भी साइन का वैल्यू क्या हो रहा है 1, सो दिस केस इज बेसिकली डिपिक्टिंग द मैक्सिमम रेंज। सो जैसे हाइट में मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने के लिए 90 डिग्री तक पहुंचना पड़ता है, वैसे रेंज में मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने के लिए 45 डिग्री काफी हो जाता है। दैट मींस आप 0 पे थ्रो करो रेंज 0 रहेगा, 90 पे थ्रो करो तो भी रेंज 0 रहेगा, लेकिन अगर आपने बरोबर से 0 और 90 के बीच का 45 के एंगल पे अगर आपने थ्रो किया तो बरोबर मैक्स टू मैक्स रेंज जाएगा। पता है यही रीजन होता है क्रिकेटर्स भी जब फील्ड में खेलते हैं, सो अगर वो बाउंड्री के बहुत ही मतलब बॉलर से बहुत ही दूर रह के फेंक रहे हैं, सो कुछ लोग ऐसे नॉर्मली फेंक लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, बट कोई कोई लोगों को ऑब्जर्व कीजिए वो हमेशा एक सर्टन एंगल बना के फिर फेंकते हैं। यू नो व्हाई, ये एंगल बनाने का फायदा ये होता है कि वो एंगल के एडवांटेज के वजह से मैक्सिमम रेंज उसको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। तो एक सर्टन रेंज अचीव करने के लिए नॉर्मल केस में कैसे होता है, तुम जितना ज्यादा स्पीड से फेंकोगे उतना ही ज्यादा बॉल दूर जाएगा, लेकिन अगर तुमने एंगल 45 मेंटेन किया तो एंगल का भी एटेड एडवांटेज मिल जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, उतना ज्यादा स्पीड तुम्हें खुद होके अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, दिस इज द मेजर एडवांटेज। ओके, सो ये रहा आर मैक्स कब होती है, जब एंगल 45 होती है। चलो अब उसके बाद देखते हैं एच का सिचुएशन क्या होता है जब थीटा 45 होती है, तो एच का वैल्यू तो आप जानते हो इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45। ओके, तो साइन 45 का जो भी वैल्यू रहेगा उसको आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है अपॉन 2g करना है। अब साइन 45 तो आप जानते हो कि इट इज 1 बाय रूट 2 होता है, तो यहां पर यू स्क्वायर 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर होता है 1 बाय 2 अपॉन 2g, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आपको आंसर मिल जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 4g। ये हो जाएगा हाइट जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा। सो आपने ऑब्जर्व किया होगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे इट वाज यू स्क्वायर अपॉन 2g, थीटा 45 जब होती है यू स्क्वायर अपॉन 4g आ जाएगा। सो कंपैरेटिवली यू स्क्वायर अपॉन 2g ही बड़ा था, तो जिसको हम लोग ने एच मैक्स बुलाया वो सच में मैक्स है। ओके, ये उसके इतना नहीं पहुंच रहा, उसका आधा ही है ये बेसिकली। सो 45 पे फेंकने में क्या होता है, रेंज मैक्सिमम पहुंचती है लेकिन हाइट जो होती है हाइट मैक्स टू मैक्स पहुंचे इसका जरूरी नहीं होता, 90 पे आप फेंकोगे तो ही आपको मैक्सिमम हाइट मिल सकता है। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइट व्हेन द एंगल इज 45। लेकिन आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा थीटा जब 0 है आर और एच दोनों 0 था, थीटा जब 90 था तो आर 0 था, एच का कुछ तो भी वैल्यू था, थीटा जब 45 है तो ना ही आर 0 है ना ही एच 0 है, दोनों का कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, है ना। तो ये वैल्यू पे चलो वो टाइम थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि टाइम थीटा बेसिकली क्या है, इट इज 4h अपॉन r, दैट मींस हाइट और r दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। सो टाइम थीटा वाला अगर फॉर्मूला यूज करेंगे आप, टैन 45 बेसिकली क्या होती है, एनी टैन थीटा इज 4h अपॉन r, तो टैन 45 अगर डालेंगे तो टैन 45 पे टैन 45 का वैल्यू होता है 1, जिस वजह से मैं डायरेक्टली ये 1 इज इक्वल टू 4h अपॉन r लिख सकता हूं, दैट मींस r इज इक्वल टू 4h ऐसे बोल सकता हूं। ये कंडीशन एक्सक्लूसिवली थीटा जब 45 होती है तभी के लिए ही एप्लीकेबल होती है, उसके अलावा ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होता, डू यू अंडरस्टैंड। सो कहीं पर भी अगर उन्होंने बोला कि रेंज जो अटेन किया है वो मैक्सिमम रेंज होता है, तो समझ जाना कि थीटा 45 है,
कहीं पर भी अगर बोला कि हाइट जो अटेन किया वो मैक्सिमम हाइट है, तो समझ जाना कि थीटा 90 है, अनलेस उन्होंने एक्स्ट्रा थीटा नहीं दिया होगा। तो अगर एक्स्ट्रा थीटा है तो दैट मींस वो ना आपको ना थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऑलवेज गो विद द फैक्ट्स। एंड कहीं पर भी अगर बोले कि एंगल 45 है या फिर रेंज मैक्सिमम है, तो पता करो कि हाइट कितना है, रेंज का वैल्यू दिया रहेगा, हाइट पता करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखकर समझ जाना कि थीटा अगर 45 दिया ना, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं R=4h। बट एक बात ध्यान में रखना, गलती से भी दूसरे एंगल्स के लिए ये फॉर्मूला मत यूज कीजिए। थीटा अगर 30 है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, थीटा 90 है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है एंगल 45 के लिए। तो रेंज जो होती है, हाइट जितना भी कवर किया उसका 4 times ग्रेटर होता है रेंज। ओके, आई बिलीव आई एम क्लियर, प्लीज नोट इट डाउन। आई बिलीव आप लोगों ने लिख लिया होगा। सो अभी एंगल के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं, तो एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं अबाउट द एंगल, ओके, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में। अब क्या होता है, मान लीजिए आपने 30 डिग्री पे किसी बॉल को थ्रो किया, मान लीजिए 2 meters का रेंज उसने कवर किया, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, या 20 meters, थोड़ा बड़ा रेंज कंसिडर कर लिया, 30 degree के एंगल पे आपने थ्रो किया तो उसने 20 meters कवर कर लिया। अब सेम वेलोसिटी से अब 30 degree पे थ्रो करने की जगह पे आप है ना 60 degree पे थ्रो कीजिए, सेम वेलोसिटी है पहले जो यूज किया, 60 degree पे थ्रो कीजिए, इट इज ऑब्जर्व्ड कि भाई ये बॉल ना हाइट भले 60 degree पे ज्यादा हाइट कवर किया होगा, लेकिन रेंज जो है ना सेम टू सेम रेंज कवर किया। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई 30 degree पे और 60 degree पे हाइट भले अलग हो, लेकिन अगर वेलोसिटी को सेम मेंटेन करेंगे तो हाइट अलग होगा बट रेंज जो कवर होती है ना वो सेम ही होता है। इसका मतलब 30 और 60 में रिलेशन क्या होता है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में थ्रो किए हुए प्रोजेक्टाइल का रेंज हमेशा सेम होता है। अब मैं आपको प्रूव करके दिखाने वाला हूं कि ये चीज, देखो मेरे बोलने पे विश्वास मत करो, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं, उसके बाद आप विश्वास करना। ओके, सो रिलेशन बिटवीन रेंज of complementary angles कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेंज जो होता है उसको हम लोग डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, पहले हम लोग कंसिडर करते हैं कि थीटा है तो रेंज जो होती है, जब एंगल थीटा होती है तो उस टाइम पर उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। यही रेंज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, तो मतलब आप जानते हो 90 माइनस थीटा के केस में कितना होगा u स्क्वायर। भाई यहां पर लिखने के लिए थोड़ा जगह कम है, मैं काम करता हूं इसको थोड़ा और लेफ्ट में लिख लेता हूं। रेंज जब एंगल थीटा होगा तो उस टाइम पर होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। This we are very well aware of. Now, when the angle is 90 minus theta, that is the complementary angle, that time the expression goes like this: sine 2, instead of theta, I will be writing 90 minus theta upon g. Now, let me try to solve this section, that is when the range for the angle of 90 minus theta becomes u square sine, ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, 2 × 90 इज 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। नाउ साइन 180 माइनस एनी एंगल इज बेसिकली इक्वल टू साइन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल, दैट मींस साइन 180 माइनस 2 थीटा इज नथिंग बट साइन ऑफ 2 थीटा। दैट मींस रेंज ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू द सेम वैल्यू। नाउ सिंस रेंज ऑफ 90 माइनस थीटा एंड रेंज ऑफ थीटा बोथ आर सेम, दैट मीन्स मैंने अभी जस्ट आपको जो मैं बता रहा था कि रेंज ऑफ थीटा इज इक्वल टू रेंज ऑफ 90 माइनस थीटा, दोनों सेम है, मैंने पहले वर्बली बोल दिया, ये रहा आपके सामने मैंने प्रूफ करके दिखाया, दैट्स द प्रूफ बेसिकली। ओके, सो इन शॉर्ट आप थीटा से फेंक कर जो भी रेंज मिला होगा ना 90 माइनस थीटा पे भी सेम मिलता है। तो दिखने में ना कुछ इस तरह होता है, उसका विजुअलाइजेशन मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपने ये रहा 20 पे आपने जो भी फेंका, ओके, और उसके बाद 70 पे आपने फेंका,
20 डिग्री पे जो भी फेंका एंड 70 डिग्री पे जो भी फेंका, वो दोनों का हाइट में डिफरेंस डेफिनेटली होगा, बट रेंज जो होती है ना वो सेम ही होता है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने आपके सामने प्रूव किया कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए भी रेंज जो होती है सेम होती है। प्लीज नोट इट डाउन, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। आई बिलीव आप लोग सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। सो माय डियर चिल्ड्रन, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, हमने सीखा हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है। जस्ट मेक श्योर कि ये वीडियो देखने के पहले आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रूव करने वाला वीडियो देखा हो, एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रूव करने वाला वीडियो जिसके अंदर टाइम भी मैंने प्रूव किया है वो वीडियो भी देखा हो, उसके बाद ये वीडियो पे आइए। तो क्या होता है, एक सीक्वेंस मेंटेन होता है। सो आज की वीडियो में हम लोग ने सीखा हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे प्रूव करना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड एंगल हाइट रेंज के बीच में क्या रिलेशन होता है, अलग अलग एंगल्स के लिए हाइट और रेंज कैसे होता है, एंड मोस्ट importantly angle अगर complementary हो तो range same होता है, ये range का एक property होता है, ये भी हम लोग ने prove करके देखा। That's all for this particular video. This is Jitin Abraham sir, teaching for Zeta Institute of Science, signing off. Bye bye.